शमशान घाट वो जगह है जहां रात क्या दिन के समय में भी लोगों को जाने से डर लगता है। लेकिन बिहार के चतरा में एक अजीब महिला ने सबको हैरान कर दिया है। ये महिला यहां अपना आशियाना बनाए बैठी है और लगभग 6 महीने से यहां रह रही है। शमशान घाट को बनाया घर। डांडी पंचायत के मानत नदी शमशान घाट के किनारे पिछले 6 महीने से एक महिला झाड़ियों में अपना आशियाना बनाकर रह रही है। महिला कहाँ की है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या पहचान है, अब तक किसी को नहीं पता है। तेज गर्मी और भारी बरसात में भी ये महिला अकेले इस जगह पर गुजारा कर रही है। रहस्यमयी बनी महिला की जीवन शैली। अपना गुजर बसर चलाने के लिए ना तो वो किसी के पास हाथ फैलाती है और ना ही सहायता लेती है। खाना बनाने के लिए महज 2 या 3 बर्तन ही है। वही इस महिला का कहना है की संसार में उसका कोई नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं जानती, लेकिन जब वक्त आएगा तो सभी चीजों की जानकारी सभी को हो जाएगी। नाम है तुम्हारा? नाम ही नहीं। कहाँ से आई है? मेरे घरे धुरा नहीं है। यहाँ तुम कैसे रहती है? कैसे ही है कि ना है ये सर, अभी कैसे बता सके, अभी नहीं बताएंगे। कब बताएंगे? कुछ समय टाइम में बताएंगे। अच्छा, तुमको डर नहीं लगता है यहाँ? डरे लगता है, डर लगे जगह ना, ये भूत वगैरह तो डरे लगते, तो क्या करबे? भूत का जगह है कहूँ भी तो वो भूते रहते नहीं है, का घर में का घर में भूत न खाए। क्या कमाती? क्या कमाई थी, ना खाए थे, कमाई थी तो किसी को मांगने चोरी करने हेरी करने नहीं जाते हैं। को भेजा रहने के लिए का? कल भेजते, को हमार है ना है तो केन भेजे। तुम्हारा बेटा लोग तो है? कोई नहीं है। बेटा लोग रहिएगा तो अथवा नहीं देखेंगे। बेटा लोग लेने आया था सर? कल रहिएगा हमको बेटा, वो नहीं रहिए, दूसरा का दूसरा का हम बेटा बनाएंगे का नहीं बनाएंगे। जो लेने के लिए आया था वो दूसरा? हाँ, दूसरा को है। कहाँ से आया था तू? कहाँ से लेके नहीं हाले से, ओकरा वो भी ना जाना थी कौन हाले कि नहीं हाले से। कुछ नहीं होगा, हमको जो ही मन पसंद है, जो दिए जहे राम तहे या जो दिए जहे मन ही छते हैं और रहेंगे तो हम वहीं पर खाएंगे कमाएंगे रहेंगे। किसको नहीं लूटने जाएंगे, नहीं केकरो चोरी करने जाएंगे। अगर घंटले रहेंगे बढ़ले रहेंगे तो मैंने मांगने जाएंगे कि हमको नहीं दे दीजिए। मीडिया वाला हम भी ना, जब कुछ होबन कर ले जगह पर तो अब्रिकावरी दोषी सीखा तब का बताए। क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत दूर से आए सिर्फ आपके वजह से। से ठीक है, से भी ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं कि कल आए थे से क्या, लेकिन जब कुछ भी नहीं किए तो जहे हमको मन ही चाहते हैं रहे। वहीं गांव की कई महिलाओं को जब इस महिला के बारे में पता चला तो लोगों ने किसी तरह उसकी मदद करनी चाही, लेकिन महिला ने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। इस महिला की विचित्र जीवन शैली इलाके के लोगों के लिए रहस्यमय बनी हुई है। कहा जन कैसे हमको लगता है सर, सताने रखे थे इसको पीछे है कि कहा है, मतलब इसको डर नहीं लगता, हम लोग के डर लगता है। हम लोग यहाँ तो लगता है 9-8 बजे रचे नहीं आएंगे, हम लोग नहीं आई झाड़ियाँ हम लोग बैठ सकेंगे, फिर कैसे इसको डर भय नहीं लगता है हमको, कैसे बताएं। ये आज संज्ञान में आया है कि गाड़ी में एक महिला खुले आसमान में है कुछ दिन से, तो अभी सीओ साहब को हमने इंस्ट्रक्शन भी दिया है, आज ही जा रहे हैं सीओ साहब, वहाँ जाके उसको जांच वांच करेंगे, उसके बाद में जो रिलीफ के तहत जो भी हम लोग को लाभ मुहैया कराना होगा हम लोग उसको रिलीफ उपलब्ध कराएंगे। वहीं गांव वालों को प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर भरोसा है कि शायद वो उसे एक शमशान घाट से उठाकर आशियाने तक पहुंचा दें ताकि महिला की मदद हो सके। पलामू से प्रभु दयाल की रिपोर्ट।